हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज 5 फरवरी है। आज EEEC का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आने वाला था। तो यहाँ पर अभी आज आप वेबसाइट विजिट करोगे, जैसे कि आपने देख रखा है, मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोली हुई है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अभी आया हुआ है नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ EEEC UG राउंड 1। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आपके सामने ये जो नोटिस है ये खुलकर आ जाएगा। मैं आपको ये नोटिस खोल कर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ EEEC UG राउंड 1 के बारे में है ये जो नोटिस है, 5 फरवरी को आया है। यहाँ पर देख लो, ये लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स हुए वो पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 ऑफ EEEC UG काउंसलिंग 2021 आर हियर बाई टू इन्फॉर्म दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ UG काउंसलिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन EEEC पोर्टल। तो जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का वो आ गया है, और जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अब डाउनलोड कर सकते हैं EEEC की वेबसाइट से। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करी गई है EEEC की तरफ से कि वो फिजिकल रिपोर्टिंग की तरफ अब ध्यान दें, और जो भी कॉलेज और या इंस्टीट्यूट उनको अलॉट हुए हैं और वो जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह उनको अलॉट हुए हैं उस पर टाइम पर रिपोर्टिंग करें। काउंसलिंग शेड्यूल में आपको पता ही है 7-8 दिन का टाइम दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो आपको जाकर अब रिपोर्टिंग करनी है फिजिकल, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ में। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन यूजी काउंसलिंग के ऊपर, जो आयुष काउंसलिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको लेकर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बना दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं अभी भी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको काउंसलिंग के टाइम पे। और यहाँ पर और लिखा हुआ है, फर्दर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट देयर अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू एडमिशन फॉर्मेलिटीज, फीस स्ट्रक्चर, फीस डिपॉजिट, बॉन्ड सबमिशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यही कहा गया है, जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो पहले आप उस कॉलेज में जानकारी कर लीजिए कि जो आपकी फीस वगैरह सबमिट होगी वो किस वे में होगी, या वो DD के थ्रू होगी, या चेक के थ्रू होगी, या कैश के थ्रू होगी, या ऑनलाइन के थ्रू होगी। तो ये सारी जानकारी ले लीजिए, कितनी फीस डिपॉजिट होगी, हॉस्टल फीस क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आप कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लीजिए। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में आपको वहाँ से नंबर मिल जाएंगे जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद में ऑल्सो कैंडिडेट शुड कन्फर्म द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग विद द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ रिपोर्टिंग अलॉन्ग विद ऑल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज भी लेकर जाननी है। फिर कीप इन व्यू ऑफ रिस्ट्रिक्शन बींग इम्पोज्ड बाई द गवर्नमेंट टू कंटेन COVID-19 पेंडेमिक, द कैंडिडेट्स हु कमिंग फ्रॉम कंटामिनेटेड या माइक्रो कंटामिनेटेड जोन आर रिक्वेस्टेड टू यूज देयर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एज अ मूमेंट पास, ई कर्फ्यू पास इफ नेसेसरी। तो जहाँ पर भी कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपको दिखाकर आपको मूवमेंट करना है, वही आपका ई कर्फ्यू पास है और ई पास है एक तरीके से मूवमेंट के लिए। तो यही गुड न्यूज़ थी गाइस, आपको बेसब्री से इंतज़ार था EEEC के फर्स्ट राउंड का, तो अब रिजल्ट आ गया है, आप जाकर अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये अपडेट मैंने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है, और गाइस इसी तरीके की अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।